हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने ट्यूटोरियल अपने चैनल्स पे सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज ही नहीं डालता हूं, साथ में आप लोगों की प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी डालता हूँ, चूँकि आप लोग मुझे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पूछते हैं। और मैं एक बार फिर से इस वीडियो में सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव था। कोविड पॉजिटिव तब भी हूँ, बट अभी थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कुछ वीडियोज आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो हमारे एक ऐप सब्सक्राइबर है, हाँ मेरा मोबाइल ऐप भी चलता है, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो और जिसपे मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे एक सोल्यूशन पूछा था कि उन्हें हर वीक, यहाँ पर लिखा है कि हर वीक मुझे एक चेक करना है कि यूएस मेल को रिप्लाई हुआ या नहीं, अगर आया तो 10 दिनों में रिप्लाई में वेंडर को मिलता रहा। मतलब कि इन्होंने मुझे बात की थी कि उनके पास एक सिस्टम है जिनको उनको मेल करना होता है। तो उनके लिए मैंने एग्जांपल फाइल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटा दिया हुआ है, डेटा में बिल नंबर्स हैं, बिल अमाउंट्स हैं, और यहाँ पे ईमेल आईडी और भी चीज़ें हो सकती है। तो मुझे सबसे पहले ये करना है कि मेल करना है। देखिए मैंने सैंपल के तौर पे बनाया हुआ है, यहाँ देखिए कि डियर पूजा प्लीज फाइंड द अटैच कॉपी ऑफ योर पास डिटेल आर ब्यूरो, और यहाँ पे बिल नंबर, बिल मंथ, बिल अमाउंट वगैरह, और ऊपर पे हेडिंग में बिल की बिल नंबर और उसका मंथ है। इसमें अटैचमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। तो मेरे सिस्टम में स्पेस कम है, इसलिए मैंने अटैचमेंट नहीं बनाया। तो इसके लिए मैंने कोडिंग क्या किया और कैसे आप लोग भी करें। तो सबसे पहले आप एक आपका एक डेटाबेस बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, और मैं जाऊंगा विजुअल बेसिक पे, और ये कोडिंग मैंने की है, लेकिन मैं दोबारा शुरू से आप लोगों के लिए कोडिंग करूँगा। हालांकि मैंने कर किया है, करके चेक किया है कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़े वीडियो को देखना पसंद नहीं करते इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्जेक्ट देता हूँ सेंड एफ के नाम से फाइनल। अभी जो ये वीडियो ये भी जो बना हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सेंड करता क्लिक करता रन करता हूँ, अभी सिर्फ एक मेल को ही भेजता है आउटलुक में। देखिए सिर्फ एक मेल को ही भेजा है इसलिए, लेकिन मुझे जितना भी सिलेक्टेड है सब पे भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए तो सेंड एफ हमने कर दिया यहाँ पे, और सबसे पहले हमने किया डिम एम एज ए स्ट्रिंग। भाई मैसेज का बॉडी मैसेज थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो सबसे पहले वही बनाना है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने इसके लिए कोडिंग किया है। क्या है कोडिंग मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं इसको ऑटोमेट करूँगा। सबसे पहले तो इसको मैं लूप में डालता हूँ, क्योंकि हाँ लूप में मुझे डालना होगा, लेकिन मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, फिर भी लूप में डालूँगा। इसको भी देना पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पे एक यहाँ ये डाला कि डिम आउट ऐप, या इसकी जगह कुछ भी दे सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट आउट मेल एज ए ऑब्जेक्ट सेट आउट ऐप क्रिएट ऑब्जेक्ट आउटलुक डॉट एप्लीकेशन सेट आउट मेल आउट ऐप डॉट क्रिएट आइटम 0। ये आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मेल बॉडी, मेल बॉडी में देखिए हमने यहाँ पे लिया है एम, एम इक्वल टू डियर और रेंज A2, लेकिन इसमें मुझे लूप लगाना है कि 4 I इक्वल टू चले हमारा 15 है, इसको हम ऑटोमेट की जा सकती है। 15 की जगह पे मैं यहाँ पे रेंज 65,000 डॉट एन और डॉट मैं लिख ही देता हूँ। तो बहुत सारे लोग नए वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको मेरा मेथड पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 65,000 डॉट एन अप डॉट रो।
डियर सर, अब ए टू की जगह पे हम इसके साथ आई को कर देते हैं। डियर सर, डियर, और यहाँ पे जो है ना रेंज ए डॉट आई वन, मतलब कि नेम जो है पूजा, नीरज, रवि, ये उठाता जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे है ना ऊपर लिखा हुआ है डियर पूजा कॉमा दिया हुआ है, ये लाइन बन के आएगा इस कोडिंग से। और फिर इसमें हमने वीवी न्यू लाइन ऐड किया ताकि टूट के फिर दूसरे नीचे लाइन में आए। और फिर एम के साथ हमने लिखा फिर फाइंड द अटैच द बिलो डिटेल्स और न्यू लाइन दो लाइन, ताकि नीचे दो लाइन नीचे हो जाए, दो बार एंटर प्रेस करते हैं इसलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा एम इक्वल टू एम के साथ, एम के साथ कंबाइन करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। बिल नंबर, वी वी टैब, बिल मंथ, वी वी टैब, बिल अमाउंट। तो इस तरह से क्या हुआ कि ए हेडिंग तैयार हो गया, जैसे यहाँ पे हेडिंग है ना, ए हेडिंग तैयार। फिर हम इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे रेंज सी टू, तो सी टू के साथ हम इसके साथ आई को कंबाइन करते ताकि ये लूप में आ जाए। वी वी टैब हमने दो बार टैब दिया, बट आप एक बार देख लीजिएगा फिर उस हिसाब से टैब दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो है ना फिक्स नहीं आ रहा था। आप देखिए मेरा प्रॉब्लम एक टैब पे इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था कि ये तो ऊपर सिक्वेंस में था बट उसके नीचे नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो है दो वी वी टैब का यूज किया हुआ है, दो वी वी टैब। आप लोग अपने हिसाब से वी वी टैब का यूज कीजिए। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको वीवी की नॉलेज नहीं है, तो आप पहले मेरा मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और वीवी का कोर्स लेके एक बार वीवी को सीखिए, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ देखिए ये हमारा आ गया। तो एक बार मैं मैसेज बॉक्स में दिखा रहा हूँ एम एस जी बॉक्स, और मैंने यहाँ पे कर दिया एम। अब मैं इसमें एम में आपको हम शो करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है, एक बार यहाँ पे एंड कर देता हूँ ताकि वो लूप ना चले, एक ही बार खत्म हो जाए। चल गया, देखिए डियर पूजा, और एक तो पूरा जो मैसेज है पूरा एक पैटर्न में आ गया, जो मेलिंग पैटर्न होता है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो मेलिंग पैटर्न में आ गया, अब मुझे पर्सन को मेल करना है। तो मेल के लिए हमने यहाँ पे बिट जो हमने ऊपर बनाया हुआ था उसी को हम यहाँ पे लेते हैं और इसको यहाँ डाल देते हैं। हमने क्या दिया, हमने लिखा विथ आउट मेल टू। अब यहाँ पे ई टू है तो ई टू को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम आए ई टू डॉट वैल्यू सी सी बी सी सी बिल कॉपी। अब यहाँ पे सी टू के साथ हमने कंबाइन कर दिया आई को, और फिर यहाँ पे बी टू को भी, बी टू को भी कंबाइन कर दिया हमने, और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट यहाँ पे डॉट बॉडी, बॉडी में हमने एम ले लिया जो एम था, और यहाँ पे देखिए अटैचमेंट वाले को मैंने हटाया हुआ क्योंकि अटैचमेंट नहीं है, आपके पास अटैचमेंट है अटैचमेंट डॉट ऐड, और ब्रैकेट में आप अपना अटैच पाथ दे दीजिएगा। पाथ में नेम अगर अलग अलग है तो उसको आप लूप में ये कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और यहाँ डॉट सेंड, डॉट सेंड जरूर है करना है क्योंकि डॉट सेंड करने से आपका मेल जाता है। ओके, तो मैं अब यहाँ पे इसको एक बार रन करके चेक करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। हाँ एरर है क्योंकि एक बार चल गया है ना। ओके, तो हमें क्या करना होगा, जो ये ऊपर जो हमने क्रिएट लूप के अंदर लेना होगा, इसको कट करके हम यहाँ इस पे इसको भी लूप के अंदर लेना, तो एक बार होने के बाद डिलीट हो जाता है। अब सही है, आप देखिए यहाँ पे यस कर लेता हूँ। विथ इन सेकेंड में इसने सारे बिल का अलग अलग बिल
देख रहे हैं 54 हो गया, 55 हो गया, 56, 57, हर का अमाउंट अलग अलग है। अब देख पा रहे हैं अगर अटैचमेंट होता तो अलग अलग अटैचमेंट भी भेज देगा। तो हजारों मेल एक विद इन सेकेंड में और एक अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ ये आपका कोड भेज देगा। बट यही है कि इसको आपको अगर वीवीए प्रोग्रामिंग आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं आती है तो फिर आप ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर हमारे ये कोर्सेज हैं, उसको ले सकते हैं। मैं ऐप के स्टोर वाले सेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज का लिस्ट मिल जाएगा। जी हाँ, सारे कोर्सेज का लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या मुझसे बात कीजिए, या फिर मेरे ऐप के चैट सेक्शन पर जाके आप अपनी प्रॉब्लम को देखिए। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम डिले हो रही है आप लोगों को रिप्लाई करने में, आप लोगों की वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रे करें। थैंक यू।